हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पास है एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन। इसको हम लोग परचेस किए हैं सिर्फ 2900 में। सिर्फ 2900 में कैसे परचेस कर लिए इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका दाम जनरली 12900 आता है, यानी कि मुझे मैसिव 10000 का डिस्काउंट मिल गया। तो कैसे मुझे 10000 का डिस्काउंट मिला इसके बारे में बात करेंगे। इसका मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका माइक टेस्ट करने वाले हैं। तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो यदि आप लोगों को कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना है एप्पल एयरपॉड्स सेकेंड जनरेशन का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को लास्ट में ट्रिक भी बताऊंगा कैसे मैं 10000 का डिस्काउंट ले लिया हूँ। तो सारा ट्रिक वगैरह के बारे में जानना है, कंप्लीट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देखना है तो इस वीडियो का अंत तक जो देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। ये देखते हैं हम लोग इस बॉक्स के अंदर हम लोग का प्रोडक्ट आ गया, क्योंकि हम लोग एप्पल का ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस किए हैं। तो इस पैकेट के अंदर आ गया, इस बॉक्स के अंदर आ गया है। तो इसको हम लोग जल्दी से कट करते हैं और प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग कट कर लिए हैं और ये हम लोग का प्रोडक्ट आ गया है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कुछ हिसाब का आप लोग दिख रहा है। इसको हम लोग बाहर निकाल लिए हैं। इसके ऊपर देखते हैं एक प्लास्टिक प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको भी हम लोग कट कर लेते हैं और इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिए तो आप देख सकते हैं कुछ हिसाब का आप लोग लुक मिल रहा है। सामने की तरफ से कुछ हिसाब का लुक मिल रहा है, पीछे की तरफ से आप लोग पूरा केस का लुक दिया गया है और इस टाइप का आप लोग दिया गया है। यहाँ पर आप लोग सारी डिटेल्स दिया गया है, MRP वगैरह लिखा गया है, तो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको हम लोग ओपन करते हैं। ओपन जैसे कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। यहाँ पर हम लोग इसको बॉक्स को निकालते हैं और इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी सारा पेपर वर्क दिया गया है। इस सब को हम लोग रखते हैं साइड में और चलते हैं अपने ईयरफोन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग देखते हैं व्हाइट कलर का आप लोग को ईयरफोन मिल जा रहा है और हम लोग इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पे आप लोग देखते हैं एक केबल मिल जा रहा है, जो कि आप लोग देखते हैं USB to Lightning केबल है। आप लोग को ये आप लोग को एडाप्टर में लगाना है और ये आप लोग को लाइटनिंग केबल दे दिया है, जिससे आप लोग को इसको चार्ज करना है। कुछ इस टाइप का आप लोग को केबल मिल जा रहा है। तो नॉर्मल आप लोग एडाप्टर में लगा के आप लोग इसको चार्ज कर सकते हैं और आप लोग का चार्ज हो जाएगा। अब हम लोग एयरपॉड्स के ऊपर आ गए हैं। ये देखते हैं आप लोग को चार्जिंग केस या कैरिंग केस बोल सकते हैं कुछ इस टाइप का दिया गया है। पूरा व्हाइट कलर का बनाया गया है। यहाँ पर आप लोग सामने से इस टाइप का लुक मिल जा रहा है और पीछे की तरफ आप लोग इस टाइप का दिया गया है। और यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया गया है, नीचे की तरफ आप लोग को लाइटनिंग पोर्ट दे दिया गया, जिससे आप लोग को इसको चार्ज करना है। इसको हम लोग ओपन करें तो यहाँ पर आप जैसे एक LED लाइट दिया गया है और यहाँ पर आप लोग को दो ईयरफोन रखा गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग बाहर निकाल लें तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का लुक मिल जा रहा है, कुछ इस टाइप का डिजाइन मिल जा रहा है। इसको हम लोग बंद कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग देखते हैं आप लोग का ईयरफोन आ गया है, जो कि आप लोग को लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी सुंदर सा डिजाइन दिया गया है, छोटा सा बनाया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारा सेंसर वगैरह दिया गया है और कुछ इस टाइप का आप लोग को लुक मिल जा रहा है, जो कि आप लोग ईयरफोन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। चलिए हम लोग इसका वेट चेक करते हैं। तो एक ईयरफोन का वेट हो जा रहा है 4 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम, और दो ईयरफोन यहाँ पे ऑब्वियसली 8 ग्राम का है। इसके ऊपर यदि हम लोग केस भी रख दें तो टोटल वेट हो जाता है 47 ग्राम। चार्जिंग केस के साथ इसको कैरी करते हैं तो आप लोग को ओवरऑल 47 ग्राम कैरी करना पड़ेगा, तो ज्यादा वेट नहीं है। अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आप लोग अपने ब्लूटूथ सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आप लोग एयरपॉड्स लिख के आ जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं साउंड क्वालिटी वाइज बात करूं तो इसका साउंड क्वालिटी काफी अच्छा है। मैं काफी देर तक मूवीज देखा और वेब सीरीज वगैरह देख रहा था, गाना सुन रहा था, तो वोकल वगैरह काफी क्लियर है। आप लोगों को एकदम क्लियर साउंड मिलेगा, क्रिस्पी साउंड मिलेगा और आप लोगों को जो बीट वगैरह है वो भी अच्छा आ रहा है। उतना लाउड बीट नहीं है लेकिन बीट ओवरऑल अच्छा है। ओवरऑल म्यूजिक आप लोग को बैलेंस म्यूजिक लग रहा है और ओवरऑल आप लोग को साउंड क्वालिटी अच्छा मिल रहा है। तो एप्पल का प्रोडक्ट है, साउंड क्वालिटी वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग इसका माइक टेस्ट करते हैं और देखते हैं माइक क्वालिटी कैसा मिल रहा है। अब जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो इसी का माइक से रिकॉर्ड किया गया है, तो आप लोग साउंड क्वालिटी किस टाइप का मिल रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यदि आप लोग बात करते हैं या गेम खेलने के लिए यूज करते हैं तो कुछ इस टाइप का आप लोग का वॉइस जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे सैंपल देख सकते हैं। इसका टच कंट्रोल भी काफी स्मूथ है, काफी अच्छा है। आप लोग ऐसे टैप कीजिएगा तो आप लोग म्यूजिक चेंज हो जाएगा, फिर पॉज प्ले हो जाएगा और आप लोग कॉल डिस्कनेक्ट एंड पिकअप वगैरह कर सकते हैं। टच कंट्रोल के मामले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैं बैटरी के बारे में बात करूं तो इसका जो ईयरफोन है वो सिंगल चार्ज में लगभग 5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देता है और विथ केस आप लोग को लगभग 24 आवर का बैटरी बैकअप दे देगा, जो कि आप लोग को काफी अच्छा बैटरी बैकअप मिल जा रहा है। तो ओवरऑल ये ईयरफोन कैसा है? तो ओवरऑल ये ईयरफोन काफी कमाल का है। साउंड क्वालिटी वाइज काफी अच्छा है, आप लोग को बैलेंस साउंड मिल रहा है, काफी अच्छा साउंड मिल रहा है। आप लोग म्यूजिक वगैरह भी काफी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, वेब सीरीज देखते हैं तो वोकल वगैरह काफी क्लियर रहता है। तो आप लोग साउंड क्वालिटी वाइज अच्छा है, आप लोग माइक भी देख पाए हैं तो आप लोग माइक टेस्ट करके मैं दिखाया हूँ, माइक क्वालिटी भी अच्छा है। लुक एंड डिजाइन वाइज तो काफी अच्छा है, आप लोग उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बैटरी बैकअप भी अच्छा दे रहा है,
तो एप्पल का प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा होगा ही। इसका दाम हो रहा है जनरली 12,900 रुपीज़, तो 12,900 रुपीज़ के लिए काफ़ी कमाल का हो जा रहा है। मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि यदि आप लोग 12,900 रुपीज़ खर्चा कर रहे हैं तो आप लोग तभी खर्चा कीजिए जब आप लोग पास एप्पल का प्रोडक्ट होगा, यानी कि एप्पल का फ़ोन है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एप्पल का एनवायरनमेंट है उस हिसाब से आप लोग को काफ़ी अच्छा काम करेगा। एप्पल के फ़ोन के साथ और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, तब आप लोग 12,900 देके ये परचेस करना उतना ज़्यादा आप लोग के लिए एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि ये जो एप्पल का इकोसिस्टम के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करता है, लेकिन एंड्रॉयड के लिए आप लोग को इसी टाइप का ईयरफोन 5,000-6,000 में मिल जाएगा। यदि आप लोग का पास एप्पल का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाएगा। इसका दाम 12,900 रुपीज़ है, लेकिन मैं इसको परचेस किया हूँ सिर्फ 2,900 रुपीज़ में। 2,900 में मिलता है तो आप लोग एंड्रॉयड यूज़र हो, एप्पल यूज़र हो, आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हैं, लूट प्राइस है। तो कैसे हम लोग सिर्फ 2,900 रुपये परचेस किए हैं इसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं, और इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट के ऊपर। ये देखते हैं हम लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग सर्च में जाते हैं और सर्च में टाइप करते हैं स्लाइस एयरपॉड्स। ये स्लाइस की तरफ से ऑफर था तो हम लोग एयरपॉड्स लिख के हम लोग सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं हम लोगों को जो प्रोडक्ट रिसीव हुआ था वो 28 जनवरी को रिसीव हुआ था, और ये मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे लिंक दिया गया है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफर जो आया था वो 26 जनवरी को आया था 4:23 में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोस्ट है लूट स्लाइस ऐप एप्पल एयरपॉड्स 2,900 में मिल रहा था आफ्टर 10,000 का डिस्काउंट। आप लोग को स्पार्क एक्टिवेट कर लेना था, यानी कि ऑफर एक्टिवेट कर लेना था, उसके बाद आप लोगों को परचेस करना था और आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट सिर्फ 2,900 में मिल जाता। यहाँ पे देखते हैं मैं स्क्रीनशॉट भी दे रहा था कि मेरा जो स्लाइस कार्ड है उसके थ्रू आप लोगों को देख सकते हैं 12,900 रुपीज़ कटा है, लेकिन मुझे विद इन 5 मिनट्स 10,000 का कैशबैक भी मिल गया है। तो इफेक्टिवली मेरा प्राइस हो गया है 2,900 रुपीज़। तो इसी टाइप का आप लोगों को लूट डील सब चाहिए, ऑफर सब चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफर ऑफ वर्ल्ड का टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट। यदि आप लोग ऑफर ऑफ वर्ल्ड का टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेते हैं तो जो भी अपकमिंग लूट डील्स रहेगा, ऑफर्स रहेगा, वो सब मिस नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे स्लाइस का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं कैसे मैं यहाँ पे इतना सस्ता में परचेस कर लिया हूँ। यदि आप लोग पास स्लाइस कार्ड नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके स्लाइस कार्ड को डाउनलोड करके रखिए, आप लोग ऐप में साइन अप करके रखिए ताकि कभी भी फिर लूट आए तो आप लोग लूट पाएं। दो काम आप लोग करना है, पहला काम करना है टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेना है ऑफर ऑफ वर्ल्ड का, और दूसरा काम करना है कि आप लोग स्लाइस ऐप में डाउनलोड करके और रजिस्टर करके रख लेना है ताकि कभी भी लूट आए तो आप लोग टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में नोटिफिकेशन मिल जाए और उसके बाद आप लोग स्लाइस कार्ड को यूज़ करके आप लोग परचेस कर सकते हैं। यदि आप लोग इसी टाइप का इंटरेस्टिंग ऑफर सब चाहिए तो आप टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट जो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए जिससे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो देखते हैं काफी है, बाय टाटा, मिलते हैं किसी फिर शोरूम में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके, तब तक याद रखिएगा देख रिव्यू बिफोर यू बाय, तब तक लिए गुड बाय।